शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी इस्कॉन में आपने गीता लिखी, भागवत लिखी, रामायण क्यों नहीं लिखी? धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशया। और इस जीवन को छोड़ने के बाद जो राम पढ़ते हैं, राम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो अवश्य ही अपना शरीर छोड़ने के बाद मुक्ता मुक्त होते हैं, एवं न संशयम, इसमें कोई संशय। ये बात किसने लिखी? वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में ये बात बताई है कि रामायण पढ़ना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी इस्कॉन में आपने गीता लिखी, भागवत लिखी, रामायण क्यों नहीं लिखी? तो प्रभुपाद जी ने उन व्यक्ति से कहा कि मैंने तो लिखी, आपने पढ़ी नहीं। कहा कैसे? कहा कृष्ण ही तो राम हो गए, कृष्ण ही तो राम हो गए। अगर तुम गीता को समझ लोगे तो तुम राम के उपदेश भी समझ लोगे, क्योंकि राम और कृष्ण तो एक ही है। और ये बात प्रमाणित है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक नियत गंभीर है, एक चपल विशेष। कृष्ण थोड़ी लीलाएं करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, गंभीर इमोशंस कई सारे, चपल चपल सुख देते हैं लोगों को, उसमें बहुत सारा नटखटपना है, रास लीलाएं हैं, जरासंध का वध है, द्वारका नगरी की स्थापना है, रुक्मणी विवाह है, सुदामा चरित्र है, गोवर्धन लीलाएं, बहुत कुछ है। लेकिन भगवान राम हर जगह, चाहे रावण वध करें, वहां भी सिद्धांत 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 सिद्धांत, मर्यादाओं को लांघते नहीं। इसीलिए कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को होता है और राम का जन्म नौमी तिथि को होता है। और कहेंगे इससे क्या मतलब हो गया? आपको गणित का पहाड़ा तो आता होगा, आता है मैथमेटिक्स, गणितज्ञ। आठ का टेबल, आठ का पहाड़ा जब पढ़ते हैं, आठ एकम, आठ दूनी सोलह, सोलह यानी एक और छह को जोड़ो तो सात, यानी ऊपर आठ था, अब सात हो गया, आठ दिया चौबीस, चार और दो को जोड़ो, ये घट रहा है, आठ सात छह पांच चार, ऐसे घटेगा। अब नौ का पहाड़ा लो, नौ एकम, नौ दूनी आठ और एक, नौ दिया सत्ताईस, सात और दो, ये नौ का नौ 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 ही जगता है। यानी भगवान अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं करते, लेकिन कृष्ण कभी नीचे उतरते, कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे उतरते, कभी ऊपर। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेश। एक अत्यंत गंभीर है, दूजे चपल विशेष, कोई भेद नहीं। प्रभुपाद ने कहा तुमने गीता को अगर ढंग से पढ़ लिया तो समझो तुमने रामायण पढ़ लिया। तुम गीता नहीं पढ़ते हो इसलिए तुम अलग से ढूंढ रहे हो कि रामायण कहाँ है। राम कृष्ण अलग थोड़ी हैं, एक ही तत्व है। कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन बिहारी हैं और भगवान राम साकेत बिहारी हैं, दोनों ही वैकुंठवासी हैं, वैकुंठनाथ हैं, दोनों ही आकर के अलग अलग प्रकार से भक्तों को शिक्षा देते हैं, जो जिसका प्रिय प्रियतम हो।